सेंटर से 4 मरीज हुए डिस्चार्ज। बीएमओ पवार ने पौधे देकर शुभकामनाएं दी। शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड केयर सेंटर से 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर धीरेंद्र पवार ने बताया कि महेंद्र सिंह ग्राम रायबिड़पुरा उम्र 75 वर्ष लंबे समय से दिल की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उन्होंने कोरोना से जंग जीती है। साथ ही पुलिस आरक्षक जितेंद्र रावत उनकी पत्नी सुनीता रावत दोनों को आज डिस्चार्ज किया गया। सभी स्वस्थ मरीजों को पौधा भेंट कर स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी गई। वह समझाया गया कि इस पौधे को घर पर जाकर लगाएं। रात के समय पौधा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। डिस्चार्ज मरीजों ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर प्रतिदिन निशुल्क पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। सेंटर के अंदर मनोरंजन के हेतु टेलीविजन लगाया गया है। सेंटर के अंदर हरे पौधे रखे गए हैं। रोज सेंटर पर योगा भी कराया जाता है। हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड केयर सेंटर से आज 4 लोगों को डिस्चार्ज किया है। इन 4 में से एक मरीज महेंद्र करण सिंह जो रायबिड़पुरा निवासी थे, वो 75 वर्षीय थे और दिल की गंभीर बीमारी से भी काफी समय से ग्रसित थे। वो हमारे पास खरगोन से आए थे। वहां की व्यवस्था न होने के कारण हमने उन्हें एडमिट किया। डॉक्टर मोहित गुप्ता एवं पीयूष पाटीदार द्वारा उनका इलाज किया गया और आज उनको भी डिस्चार्ज किया गया और स्वस्थ होकर घर लौटे कोरोना से जंग जीतकर। 2 मरीज पति पत्नी थे हमारे थाना उनके प्रधान आरक्षक जितेंद्र रावत एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता रावत, वो भी आज कोरोना से जंग जीतकर घर के लिए डिस्चार्ज हुए हैं। हम लोग 2 तरीके से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो डॉक्टर मोहित गुप्ता एवं पुरुष पाटीदार द्वारा क्लिनिकल और मेडिकल पूरा इलाज किया जा रहा है उनकी गाइडलाइन और गाइडेंस के अंडर में। और दूसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आदि जंग हम सकारात्मकता और अच्छे माहौल से जीत सकें, इसलिए हम लोग मरीजों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट खाना निःशुल्क वितरित करवा रहे हैं। सेंटर के अंदर का माहौल भी अच्छे से बनाया हुआ है। टीवी की व्यवस्था, मनोरंजन की हुई है, योगा करवाया जा रहा है सुबह प्रातः डेली। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट।